हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैकेनिकल गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की। जो अपने वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की कई सारी क्लास पहले ही हो चुकी हैं, ठीक है। तो अपनी जो आज वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की क्लास है, उसमें हम जानेंगे आपकी प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या होती है, और अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग आपकी क्या है, और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, और परमाणु हाइड्रोजन वेल्डिंग। तो इन्हीं सब वेल्डिंग्स के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और इन वेल्डिंगों को बताने के बाद आपका जो चैप्टर है पूरा वेल्डिंग की तरह से खत्म हो जाएगा। बस दो टॉपिक बचेंगे आपके, वेल्डिंग के जो दोष हैं वो बचेगा, और कुछ टेस्टिंग बचेंगी वेल्डिंग की। बस उन्हीं दो टॉपिक को बता दूंगा और चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्त। सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग आपकी होती क्या है। देखिए, प्रोजेक्शन वेल्डिंग आपकी क्या है। जो आपकी ये प्रोजेक्शन वेल्डिंग है, ये आपकी है, यह वेल्डिंग विधि स्पॉट वेल्डिंग के समान ही है। तो इससे पहले हमने स्पॉट वेल्डिंग को जाना था, और हमने बताया था आपकी स्पॉट वेल्डिंग क्या होती है। जो आपकी प्रोजेक्शन वेल्डिंग है दोस्त, वो भी स्पॉट वेल्डिंग के ही समान होती है, स्पॉट वेल्डिंग की ही तरह होती है। और स्पॉट वेल्डिंग में हम क्या करते थे, दो तांबे के इलेक्ट्रोड को प्रयोग करते थे, जो कि नुकीले हुआ करते थे, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होगा, यह वेल्डिंग विधि स्पॉट वेल्डिंग के समान ही है, क्योंकि इस विधि में भी धारा प्रवाह तथा दाब स्पॉट वेल्डिंग के समान लगाया जाता है। तो जो आपकी प्रोजेक्शन वेल्डिंग है, बिल्कुल सेम स्पॉट वेल्डिंग की तरह है। इसमें जितना आपको दाब स्पॉट वेल्डिंग में लगाते थे और धारा प्रवाह करते थे, वैसे ही आपको प्रोजेक्शन वेल्डिंग में भी करना है। बस इसमें अंतर कहाँ पर आता है, अंतर यह है कि प्रोजेक्शन वेल्डिंग मशीन के इलेक्ट्रोड स्पॉट वेल्डिंग मशीन के इलेक्ट्रोड की तरह नुकीले नहीं होते। जैसे हमने आपको बताया कि स्पॉट वेल्डिंग में जिन इलेक्ट्रोड का हम प्रयोग करते थे दोस्त, वो क्या हुआ करते थे, आपके नुकीले इलेक्ट्रोड होते थे दो, और वो भी तांबे के इलेक्ट्रोड हुआ करते थे, ठीक है। और जो आपकी प्रोजेक्शन वेल्डिंग है, उसमें क्या है, उसमें हम इन दो नुकीले इलेक्ट्रोडों का प्रयोग नहीं करने वाले हैं, ठीक है दोस्त। तो इसमें जो आपके इलेक्ट्रोड हैं वो नुकीले नहीं होंगे, बल्कि चपटे डाई आकृति फ्लैट डाई शेप्स होते हैं। जो इसमें इलेक्ट्रोड का प्रयोग करेंगे वो चपटे आकार के होते हैं, ठीक है। इस प्रकार दोनों प्लेटों का संपर्क केवल उभार अथवा प्रक्षेपित बिंदुओं पर ही होता है, विद्युत धारा का प्रवाह केवल प्रक्षेपित बिंदुओं पर ही होता है, ठीक है दोस्तों। इतना आपको समझ में आ गया कि जो आपकी प्रोजेक्शन वेल्डिंग पूरी स्पॉट वेल्डिंग की ही तरह कार्य करती है। बस डिफरेंस इतना सा है कि उसमें हम नुकीले इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करते थे, और इसमें हम चपटे इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। और बाकी सब कुछ सेम ही रहने वाला है। और आगे अगर बात करें, इस प्रकार धारा तथा संपर्क प्रतिरोध के कारण उत्पन्न ऊष्मा से केवल प्रेक्षित बिंदु तथा उभार ही पिघलते हैं, तथा दबाव के कारण दबा कर वेल्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि आपकी ये प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या थी। तो इसको आप थोड़ा सा डायग्राम से समझ लेते हैं दोस्त। ये आपका लाइन डायग्राम है, इसे आप एग्जाम पर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम है उससे आप समझ लें हम लोग। तो यहाँ पर आप दोस्त एक प्रोजेक्शन वेल्डिंग का डायग्राम देख रहे होंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है, ये आपका यहाँ से एक फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है। और ये आपके क्या, ये इलेक्ट्रोड है। जैसे हमने कहा था आपसे कि चपटे इलेक्ट्रोडों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है प्रोजेक्शन वेल्डिंग पे। यहाँ से दोनों तरफ से फोर्स लगाया जा रहा है। ये आपका क्या है, ये आपके प्रोजेक्शन है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी प्रोसेस दी गई हुई हैं, ठीक है। तो ये एक डायग्राम था प्रोजेक्शन वेल्डिंग का। और यहाँ पर अगर इसकी बात करें दोस्त, तो ये आपके फ्लैट इलेक्ट्रोड है, चपटे इलेक्ट्रोड है दोनों ये, और बीच में ये आपका वर्कपीस लगा हुआ है, ये आपकी सीट लगी हुई है, ठीक है। ये आपका वेल्डिंग करने से पहले के डायग्राम दिखाया गया है, और ये वेल्डिंग करने के बाद का डायग्राम है। तो आप देख सकते हैं वेल्डिंग करने से पहले कैसा दिखेगा और वेल्डिंग करने के बाद कैसा दिखेगा, ठीक है। तो एक डायग्राम को आपको एग्जाम पर बनाना होगा, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं अब नेक्स्ट वेल्डिंग की, जो आपकी क्या है, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग क्या होती है। एक इंपॉर्टेंट वेल्डिंग है, तो बात करते हैं दोस्त अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग आपकी क्या है। वेल्डिंग किए जाने वाले अवयव एक साथ बलपूर्वक क्लैंप कर दिए जाते हैं। तो दोस्त अल्ट्रासोनिक जो वेल्डिंग है, जिन वर्क पीस को हमें वेल्ड करना होता है, कार्यखंड को हमें वेल्ड करना होता है, उनको हम फोर्स लगाकर क्लैंप के द्वारा क्लैंप कर दिए जाते हैं, मतलब पकड़ लिया जाता है क्लैंप की सहायता से। फिर इन अवयवों एक ट्रांसड्यूसर के द्वारा अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी पर ओसिलेटिंग सियर स्ट्रेट
दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। इस प्रकार दोनों अवयव की मेटल बिना पिघले ही आपस में जुड़ जाती हैं। तो जो आपकी अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग है, इसमें किसी भी मेटल का जो वो पिघलते नहीं है, बिना पिघले ही दोनों मेटल आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब आगे की इसकी बात करें, और एक स्लेडिंग स्टेट वेल्डेड जोड़ बना देती है। ठीक है, क्लैंप द्वारा लगा प्रेशर और ट्रांसड्यूसर द्वारा लगाए गए कंपन के द्वारा ही दोनों अवयव की सतह अणु आपस में एक जोड़, दोनों जो आपस में है वो जुड़ जाते हैं। किस कारण से जुड़ जाते हैं? क्लैंप के द्वारा लगा प्रेशर, जिस क्लैंप से आप पकड़ते हैं उसका जो प्रेशर होता है उसके कारण, और ट्रांसड्यूसर द्वारा लगाए गए कंपन के द्वारा ही दोनों अवयव क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये आपकी दोस्त क्या कहलाती है? अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग कहलाती है। ठीक है, तो अब इसकी बात करें, एक नेक्स्ट वेल्डिंग जो आपकी दी गई हुई है, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग के कुछ लाभ है उनको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, अल्ट्रासोनिक आपकी वेल्डिंग होती है, सतहों की अधिक सफाई की आवश्यकता नहीं होती। जब आप अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग करते हैं तो उसमें जो आपका वर्क पीस होता है, कार्यखंड होता है, उसकी जो सरफेस होती है उसकी फिनिश करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, सफाई करने की आवश्यकता नहीं होती। आर्क गैस या फिलर मेटल अन्य कोई दोष उत्पन्न नहीं होता है। तो जो आपकी अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग है उसमें आर्क गैस या फिलर मेटल अन्य कोई दोष भी उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है दोस्त, तो आपको अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं आपकी क्या है, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। ये आपकी प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग क्या होती है, अब उसकी अगर बात करें दोस्त, तो देखिए प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग जो है आपकी, देखिए किसी इलेक्ट्रिक आर्क से जब कोई गैस गुजारी जाती है, किसी इलेक्ट्रिक आर्क से जब कोई गैस गुजारी जाती है तो यह अपने आयनों में टूट जाती है। ठीक है दोस्त, जब इलेक्ट्रिक आर्क से कोई गैस गुजारी जाएगी तो जो उसके आयन होंगे वो अपने आयन पर टूट जाती है और स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देती है, स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देती है। इस प्रकार प्राप्त इलेक्ट्रॉन गैस के आयनों और गैस के परमाणुओं के मिश्रण को ही प्लाज्मा कहते हैं। तो ठीक है दोस्त, इतना आपको समझ में आ गया, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में किसी इलेक्ट्रिक आर्क से जब कोई गैस गुजारी जाती है तो यह अपने आयनों में टूट जाती है और स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देती है। इस प्रकार प्राप्त इलेक्ट्रॉन गैस के आयनों और गैसों के परमाणुओं के जो मिश्रण है को ही प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है दोस्त, इसके आगे की बात कर लेते हैं, इसमें दो इनर्ट गैसें होती हैं, इसमें जो दो इनर्ट गैसें होती हैं, एक तो प्लाज्मा आर्क बनाती है और दूसरी इसको सुरक्षात्मक कवच प्रदान करती है। इसमें जो दो प्रकार की इनर्ट गैसें होती हैं वो क्या करती हैं, तो जो आपकी एक गैस होती है वो क्या करती है दोस्त, वो आपका प्लाज्मा आर्क बनाती है और दूसरी वाली जो गैस है वो क्या करती है, सुरक्षात्मक कवच प्रदान करती है। ठीक है, इसमें फिलर रॉड प्रयोग आपका किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है, फिलर रॉड का प्रयोग होता भी है और नहीं भी होता है। तो ये क्या थी, आपकी प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग थी दोस्तों। इतना आपको समझ में आ गया। अब अगर इसके डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो आपका प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग है वो क्या है, इसे देख लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये डीसी पावर सोर्स इसे दिया जा रहा है ये, ठीक है, और ये क्या है आपका टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है, ये वाला आपका टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है दोस्त। ये आपकी क्या है, प्लाज्मा ये आर्क बन रही है यहाँ पर, और ये आपके क्या है, वर्क पीस है। इन्हीं दोनों को आपस में क्या करना है, आपको जोड़ना है। ठीक है, या हमने आपको बताया था गैस है ये प्लाज्मा गैस, यहाँ पर दो गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दो तरह की गैसों का प्रयोग किया जाता है और दोनों गैसों का कार्य क्या होता है, तो एक गैस जो होती है वो आपकी क्या करती है, वो आपकी प्लाज्मा आर्क बनाती है, तथा जो दूसरी गैस होती है वो इससे क्या करती है, सुरक्षात्मक कवच प्रदान करती है। एक दूसरी गैस ये आपकी, ये देख सकते हैं आपके ये नोजल है। ठीक है, तो आपको एक ऐसा ही डायग्राम एग्जाम पर बनाना होगा। तो दोस्त, नेक्स्ट वेल्डिंग की बात कर लेते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। तो बात करें अगर एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग आपकी क्या होती है, तो दोस्त इसके जो नोट्स हैं प्रॉपर वो नोट्स बनाते चलिए, और इसके जो बाकी के नोट्स हैं डेली क्लास के जो टेलीग्राम ग्रुप आपका बना हुआ है उसमें सेंड कर दिया जाएगा, तो टेलीग्राम को फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए बात करते हैं परमाणु हाइड्रोजन वेल्डिंग। देखिए यहाँ पर पहले से इम्पॉर्टेंट लगा हुआ है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टिकोण से इस विधि में फ्यूजन के लिए आवश्यक ऊष्मा दो टंगस्टन के इलेक्ट्रोड के मध्य आर्क बनाकर पैदा की जाती है। तो दोस्त जो आपकी परमाणु हाइड्रोजन वेल्डिंग है, इस विधि में फ्यूजन के लिए
जो आवश्यक ऊष्मा है दो टंगस्टन के इलेक्ट्रोडों के मध्य आर्क बनाकर पैदा की जाती है। ठीक है, कार्यखंड को ऊष्मा आर्क तथा परमाणु हाइड्रोजन के टकराने से मिलती है। जो आपका कार्यखंड वर्क पीस है उसको जो ऊष्मा है वो कहाँ से मिलेगी, आर्क तथा परमाणु हाइड्रोजन के आपस में टकराने से मिलती है। ठीक है दोस्त, यह हाइड्रोजन गैस ही वेल्ड मेटल को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। तो जो आपका हाइड्रोजन गैस है यही वेल्ड मेटल को सुरक्षा कवच एक प्रदान करता है। ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं इसकी, आगे देखिए अगर इसका तो क्या है, वेल्डिंग के लिए फिलर रॉड भी आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जा सकता है। तो जो आपका हाइड्रोजन वेल्डिंग है उसमें क्या है, वेल्डिंग के लिए जो आपका फिलर रॉड होता है उसको हम आवश्यकता के अनुसार प्रयोग किया जा सकता है। यह वेल्डिंग आर्क एवं फ्लेम दोनों के गुणों को अपने में समेटे है। तो जो आपकी ये परमाणु हाइड्रोजन वेल्डिंग है ये अपने अंदर जो है आर्क एवं फ्लेम के दोनों के गुणों को अपने अंदर समेटे, आर्क दोनों टंगस्टन के इलेक्ट्रोड के मध्य बनता है। जो आपकी आर्क है वो आपके दोनों टंगस्टन के जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके मध्य बनता है, और हाइड्रोजन को इस आर्क के ऊपर से गुजारने दिया जाता है। इससे हाइड्रोजन अपने परमाणुओं में टूट जाता है। जब हाइड्रोजन के ऊपर से आर्क को गुजारा जाता है तो जो हाइड्रोजन होता है वो अपने परमाणुओं पर टूट जाता है। इसके लिए आवश्यक ऊष्मा वह आर्क से लेता है। ठीक है, तो जो इसके लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है वो कहाँ से लेता है, वो आर्क से लेता है। इतना आपको समझ में आ गया, जैसे कि निम्न समीकरण से स्पष्ट है कि H2 हाइड्रोजन बराबर H2, अगर यहाँ पर 2 है तो आपको क्या लिख सकते हैं, H+H लिख सकते हैं। ठीक है दोस्त, इतना आपको समझ में आ गया। 107,000 इस प्रकार बनी परमाणु हाइड्रोजन अस्थिर अवस्था की होती है। ठीक है, जैसे कि यह परमाणु हाइड्रोजन आर्क के क्षेत्रफल से निकलकर कार्यखंड की अपेक्षाकृत ठंडी सतह से टकराती है। ठीक है दोस्त, और इसी प्रकार जो क्या होता है, हाइड्रोजन अणु में परिवर्तित हो जाती है। तो ये आपकी क्या थी, परमाणु हाइड्रोजन वेल्डिंग थी। तो दोस्त आपका जितना भी वेल्डिंग का प्रोसेस था वो सब खत्म हो चुका है आज से। अब जो आपका बचा है, वेल्डिंग के दोस्त बचे हुए हैं और वेल्डिंग की कुछ टेस्टिंग बची हुई हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनकी बात करने वाले हैं। दोस्त वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है।